वसीम सर ट्यूटोरियल का वन ऑन वन टीचिंग मेथड तो आपने सुनाई है और इस साल उनके नीट के रिजल्ट भी बहुत कुछ बताते हैं। समीर अंसारी ने नीट 2024 के एग्जाम में बहुत ही शानदार परफॉर्मेंस दिया है, जिनका नीट स्कोर 633 आया है और ऐसे कई स्टूडेंट्स ने अच्छा स्कोर किया है। वसीम सर वन ऑन वन टीचिंग मेथड में स्टूडेंट्स पे इन डेप्थ फोकस के साथ साथ उन्हें हाईएस्ट नंबर ऑफ टेस्ट सीरीज प्रोवाइड किया जाता है ताकि उनका एंट्रेंस एग्जाम क्लियर हो जाए। हमारे तीनों ब्रांच में एडमिशन ओपन है, ज्यादा जानकारी के लिए आज ही कॉल करें दिए गए नंबर पर। शिवसेना शिंदेगुट से जुड़े अनवर कच्छिक करेंगे आग्रिम मुस्लिम एकता सम्मेलन का आयोजन। कामदार हिंदुस्तानी रिपोर्टर में आपका स्वागत है। एक तरफ जहां चुनावी बयार बहने लगी है, वहीं अब अलग अलग चीजें इसी बयार के चलते सामने आ रही है। शिवसेना मुस्लिम संघ, ये पहले से एक संगठन बना हुआ है जिसके ठाणे जिला अध्यक्ष है अनवर कच्छी, जो कि मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और उनकी मौजूदा शिवसेना शिंदे गुट पार्टी से काफी जुड़े हुए और सक्रिय भी है। अब इन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस लेकर ऐलान किया है, उनकी अपनी एक अलग सामाजिक संस्था है मानव सेवा भावी संस्था, अब इसी संस्था के मातहत वो एक कार्यक्रम आयोजित कर रहे हैं आगरी और मुस्लिम एकता सम्मेलन। आगरी मुस्लिम एकता सम्मेलन के तो इस आयोजन पर क्यों कर वो ये आयोजन कर रहे, क्या उन्होंने कहा, उनसे क्या पत्रकारों ने सवाल किए और किस तरीके से उन्होंने इन तमाम बातों का जवाब देते हुए अपनी बात रखी है, देखिए आगामी 15 अगस्त को ये कार्यक्रम उनकी तरफ से होने वाला है, ऐसा उनका कहना है। अनवर भाई, आज आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी है अपनी कुछ बातें रखने के लिए, तो क्या बात है, क्या बताना चाहोगे आप? अस्सलाम वालेकुम, तमाम पत्रकारों का शुक्रिया जो मैं एक आवाज के ऊपर आप सब लोग आए, सबका शुक्रगुजार हूँ। आज जो बात करने जा रहा हूँ मैं, राजनीति से अलग समाज के ऊपर बात करने के लिए मैंने बुलाया हूँ। ये मेरी संस्था है मुमरा सेवा भावी फाउंडेशन, तो उसके जरिए मैं एक प्रोग्राम रखने जा रहा हूँ 15 अगस्त के दिन, आगरी कोली मुस्लिम एकता मंच कॉन्फ्रेंस। ये प्रोग्राम रखने का मकसद ये है कि आज जो देख रहे हैं पिछले कई सालों से और पिछले 2 सालों से देखेंगे मुमरा के जो हालात है, तो मैं उसके ऊपर एक कुछ अलग प्रोग्राम करना चाहता हूँ। कि जैसे कि मेरी पैदाइश ये कलवा मुमरा की है, मैं कुछ दिन मुमरा में रहा हूँ, कुछ दिन कलवा में रहा हूँ, दोनों बाजू मेरा बिजनेस भी कलवा में है, तो मैं पैदाइश कलवा में हुआ हूँ। तो हमने देखे कि 72 के दंगे से लेके 84 के दंगे हो या 92 के दंगे हो, मुमरा के अंदर कभी भी कोई दंगा हुआ नहीं है, और जब ऐसा कोई वक्त आया भी है तो यहाँ के आगरी समाज के लोग हैं उन्होंने मुसलमान के साथ में खड़े रह के उनका साथ दिया है और सरकारें किया है, ना कभी यहाँ पे हिंदू मुस्लिम हुआ है ना कभी कुछ हुआ है। तो इसलिए मैंने एक सोचा कि जब आदमी कोई बुरा करता है तो लोग इसके ऊपर उंगलियाँ उठाते हैं कि ये बुरा कर रहा है, तो जब कोई अच्छा करता है तो उसकी भी सराहना होनी चाहिए। तो इसके लिए करके मैंने एक 15 अगस्त के दिन शाम में 6:30 बजे नूरबाग हॉल के अंदर एक प्रोग्राम रखा हूँ, जिसके अंदर यहाँ 45 साल के अंदर 45-50 साल के अंदर जितने आमदार हुए आगरी समाज के, या 4 आमदार तो मेरे को मुंह पे ही मालूम है, जैसे कि जनार्दन गौरी हो गया, बीके भगत हुआ, उसके बाद में एक भोईर करके थे सुभाष भोईर, तो भी उनको MLC थी मगर एक भोईर करके है वो, और गणेश नाइक साहब हो गए। तो इनके इतने आमदार होने के बावजूद भी कभी हिंदू मुस्लिम यहाँ पे नहीं हुआ, बल्कि उन्होंने साथ दिया है। तो इसलिए मैंने चाहा कि माजी आमदार है, माजी खासदार है और जो नगर सेवक यहाँ के हो चुके हैं आगरी कोली समाज के, उन नगर सेवकों के उनको एक सम्मान चिन्ह दे के उनका स्वागत करना चाहता हूँ। मैं ये चाहता हूँ कि जो पिछले 48 सालों से हम लोग यहाँ पे रह रहे मुमरा के अंदर, कभी ऐसा दंगा नहीं हुआ, ना कुछ भेदभाव की राजनीति हुई है, तो आगे के आने वाले 50 साल भी ऐसे ही जावे, मेरी ये दुआ है, बाकी तो अल्लाह की मर्जी है। तो इसलिए मैं चाहता हूँ कि ये ऐसा एक प्रोग्राम करके आगरी समाज के लोगों की एक सहारना करना और उनको हौसला अफजाई करना। तो ये प्रोग्राम नूरबाग हॉल में होगा, कितने बजे होगा? ये 6:30 बजे से लेकर 10 बजे तक का होगा, और ये आज से मतलब आगाज किया हूँ मैं आपको बुला के, और लोगों को बताना चाहता हूँ कि ये प्रोग्राम हम कर रहे हैं। और ये प्रोग्राम की खासियत ये रहेगी कि जैसा कि प्रोग्राम मैं कर रहा हूँ तो इसका क्रेडिट सिर्फ मैं लूँगा ऐसा नहीं, हर यानी कम से कम मेरे लिस्ट के अंदर 100 लोग हैं, 100 के आसपास है, तो इन लोगों को सबको
सबको बुलाया जाएगा। मुमरा के जो कद्दावर लोग है, नेता है, नगर सेवक है, समाज सेवक है और बिजनेसमैन है, इन लोगों को भी बुलाना है और मुसलमानों के हाथों से अग्नि समाज के और कोली समाज के लोगों को ये टॉफी दी जाएगी और सम्मान पत्र दिया जाएगा। अनवर भाई, ये ख्याल तो काफी अच्छा है, प्रोग्राम तो काफी अच्छा है, लेकिन इससे एक सवाल जहन में पैदा होगा, क्या मौजूदा आमदार के वक्त में हिंदू मुस्लिम हो रहा है शहर में, ऐसा कहना चाहते हैं? देखिए, अभी जो विशालगढ़ का हुआ तो विशालगढ़ के लिए हमारे माननीय जितेंद्र आवाड़ साहब गए, बहुत अच्छा लगा मुझे, मगर आज से 1.5 साल पहले जो यहाँ पे बाबा फखरुद्दीन शाह के ऊपर पहलवान शाह बाबा की दरगाह है, यहाँ पे थाना का आदमी आता है और ये आने के बाद में ये करता है, तो उस वक्त मेरे ख्याल से आमदार साहब कुछ बोले नहीं थे, या बोले थे तो मेरे को मालूम नहीं, मतलब यहाँ पे उनको ज़्यादा देखना चाहिए अपने वार्ड के अंदर। तो हमारे आमदार का क्या मालूम है, पूरी दुनिया की बड़ी है, वो पाकिस्तान में कुछ होएगा तो उसका, लंदन में कुछ होएगा, महाराष्ट्र में, इंडिया में, मगर वो अपने वार्ड के अंदर क्या होता वो नहीं मालूम। और यहाँ तक हमको तो ये भी मालूम पड़ा था कि वो जो आया था मंत्री का था, वो इनका दोस्त था अविनाश यादव। तो मैं आपको और एक बात बताना चाहूँगा, क्योंकि बहुत से लोगों को दरगाह से एलर्जी है, मगर मैं ये बताना चाहूँगा कि अग्नि समाज और कोली समाज दरगाहों को बहुत मानता है। एक सबसे बड़ी मिसाल मैं आपको दूंगा, हमारे यहाँ के जो आमदार हो चुके गणेश नाइक सर, उनके बंगले के आंगन के अंदर एक दरगाह है जिसकी खिदमत वो खुद करते। दूसरा मैं एक मिसाल और दूंगा, कोली समाज के जो आनंद तरे है, जो राबोड़ी के बाजू में ही रहते, उनके बंगले के बाजू में दरगाह है दो माता की, वो खुद खिदमत करते। और यहाँ कौसा गांव के अंदर जब मैं 92 के अंदर यहाँ पे रहता था, तभी यहाँ पे शालिक तकले करके थे, तो वो दरगाह की काफी इज्जत करते थे, वो बोले मैं दरगाह को बहुत मानता हूँ, हर जुमेरात को जाता हूँ। तो ऐसा नहीं है कि हर समाज में दरगाह को मानने वाले नहीं है, मतलब कुछ लोग ऐसे हैं जो दरगाह के ऊपर राजनीति करना चाहते हैं, तो बस उसके लिए मैं ये चाहता हूँ कि मुमरा के अंदर आने वाले टाइम में कुछ माहौल खराब नहीं हुए, और इसमें कोई भी राजनीति का मतलब कोई मकसद नहीं। मैं भले शिवसेना पार्टी से हूँ, एकनाथ शिंदे साहब की पार्टी में हूँ, मगर ये मैंने जो रखा है, ये मेरा मुमरा सेवा भाव जो फाउंडेशन है, रजिस्टर है, उसके ऊपर ये प्रोग्राम कर रहा हूँ। अनवर भाई, अभी आपने सद्भावना की बात की, लेकिन एक सवाल यहाँ पर ये भी है कि कुछ ही दिनों पहले एक पोस्टर शहर में लगा हुआ था जिसमें टीपू सुल्तान शहीद रहमतुल्लाह अलैह की तस्वीर थी, उसको कुछ संगठन के लोगों ने आकर निकलवाया, कहा कि उन्हें जिस तरह से वो कहते हैं, टीपू सुल्तान शहीद रहमतुल्लाह अलैह आप जानते हैं कि फ्रीडम फाइटर है वो, और बड़े बड़े जो विशेषज्ञ हैं, जो राजनीतिक है, हिस्टोरिकल जो जानने वाले, उन्होंने उनको क्लियर भी किया है कि ये सिर्फ उनके खिलाफ गलत बातें फैलाई जा रही, इस पर आवाज क्यों नहीं उठी शहर? नहीं, देखिए बात ऐसी है ना कि यहाँ पे वर्चस्व की लड़ाई है, कि जैसे कि छत्रपति शिवाजी महाराज को महाराष्ट्र में मानते, महाराष्ट्र में क्या बल्कि पूरे भारत में मानते, तो उनको ऐसा लग रहा है कि जब ये हिंदू के है छत्रपति शिवाजी महाराज, तो ये मुसलमानों की टीपू सुल्तान को लाया जा रहा है, मगर ऐसा नहीं है। मुसलमान जो जिनको नहीं मालूम छत्रपति शिवाजी महाराज के बारे में, वो छत्रपति शिवाजी महाराज को नहीं मानते, बाकी मुसलमान जिसने हिस्ट्री पढ़ी है, छत्रपति शिवाजी महाराज के साथ में आधे से ज़्यादा फौज मुसलमान की थी, पठानों की थी, जो कि काबुल से पठान आए थे, मुसलमान थे वो, और वो मुगलों के खिलाफ लड़ने के लिए छत्रपति शिवाजी महाराज के साथ में थे। तो ये क्या मालूम है, वर्चस्व की लड़ाई है, और तेरा राजा छोटा मेरा राजा बड़ा करके ये कर रहे, और इसके अंदर मेरे को जहाँ तक मालूम है इसके अंदर आगरी कोली समाज नहीं था। अनवर भाई, जिस तरीके से आपने दरगाह के बारे में बताया, हाजी मलंग की दरगाह पे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे वही कहते हैं कि मलंगगढ़ को मुक्ति दिलाएंगे, और वो लोग उनके ही कहने पे ऐसा बताया जा रहा है कि कार्रवाई भी की गई है वहाँ पे, तो उसको लेकर क्या कहना चाहोगे? देखिए, मैं जो कार्रवाई हुई या दरगाह तोड़े उसके तो फेवर में नहीं हूँ, मगर जब भी मुझे मौका मिलेगा तो मैं माननीय मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे साहब से बात करूंगा उसके लिए। आप तो करीबी है, काफी करीबी है, मौका आपको कैसे नहीं मिला? हकीकत में ऐसा हो गया है कि पिछले 6 महीने से मुख्यमंत्री साहब से नहीं मिला, क्योंकि मुख्यमंत्री होने के बाद पहले मंत्री थे, तब भी हमको थाना के बंगला में मिल जाते थे, मगर अब भी जब भी हम लोग वर्षा में भी जाते तो मालूम पड़ा कहीं दौरे पे है, कहीं क्या है। तो मेरे तरफ से मैं पूरी ईमानदारी से कोशिश करूंगा और मुख्यमंत्री साहब को बोलूंगा कि साहब ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए। अनवर भाई, जिस स्टेज से खासदार बैठे रहते उस स्टेज से जहरीले बयानबाजी होते, तो क्यों नहीं रोके जाते उस बयान को? देखिए, उसके लिए तो मैं लास्ट टाइम पे हमारे जो यहाँ के वरिष्ठ पत्रकार है जिसको रफीक कामदार बोलते हैं, उनसे भी हमने वो टाइम जो प्रोग्राम हुआ था तो
उस प्रोग्राम के अंदर भी मैं जाने के लिए ये हुआ था कि नहीं उनके सवालों का जवाब मैं दूंगा करके, मगर कुछ लोगों ने मुझे रोका था। तो ऐसा है कि देखिए, ये जो हिंदुत्व जो उठा है ये महाराष्ट्र का नहीं है, महाराष्ट्र की लोग पब्लिक जो है ना एकदम साइलेंट पसंद है, अमन पसंद है, मगर ये कोई एक दो स्टेट है वहाँ से जो उठ के आते हैं वहीं से सब पूरा। अभी देखो, देखा जाए हिंदू मुस्लिम होता, अभी आपने देखे कि कुछ दिन पहला एक जो कांड हो गया कल्याण पाटा के मंदिर के ऊपर, तो वो आदमी समाज की हमारी लड़की थी, उसके साथ में कितना घिनौना किया, और करने वाले तीन जन थे, कौन से स्टेट से थे वो। तो मैं ये बोलना चाहूंगा कि महाराष्ट्र के लोग बहुत अमन पसंद है, और खास करके आगरी समाज के लोग हैं बहुत अमन पसंद है। अनवर भाई, जो माजी आमदारों को आप बुलाने वाले हो या यहाँ के जो नामचीन लोगों को इस एकता के प्रोग्राम में बुलाने वाले, तो क्या जो मौजूदा आमदार है आप उनको भी इन्विटेशन दोगे इस प्रोग्राम के लिए? उसके बारे में सोचूंगा मैं क्या करना है, क्योंकि ये तो एकता का प्रोग्राम है, इसमें कोई राजनीति नहीं। मेरा सवाल आपसे यही है कि जब ये मुमरा की दरगाह के ऊपर जो आंच आई थी तभी हमारा आमदार कहाँ था? उनको इन्विटेशन ना देना, ये सवाल जाएगा कि शायद आने वाले इलेक्शन को देख के। नहीं नहीं, मैं जो आगरी समाज में मुमरा के, मैं कोई पार्टी के लिए कोई जात के लिए नहीं कर रहा हूँ। पिछले 45 सालों से आगरी समाज ने जो मुसलमानों के साथ में जो व्यवहार किया, अच्छा व्यवहार किया, हमको उसका इनाम देना है, और इसके अंदर मुस्लिम और आगरी का है। अगर वो कोई आगरी में बैठते तो उनको भी बुला लूंगा।